देश की राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुद केजरीवाल सरकार का मानना है कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाएगी। तो क्या ऐसे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में फिर से लॉकडाउन किया जाएगा? केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इससे सीधे तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन करने का कोई इरादा नहीं है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गुरुवार को दिल्ली में 1800 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले आए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सवाल उठने लगा कि क्या दिल्ली में सख्ती को बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री जैन ने लगाई जा रही अटकलों को खत्म किया। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली में कोविड-19 से होने वाली 2098 मौतों के दावे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल से जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी कोविड से मौत हुई है और दूसरे वो जो कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज होते हैं। दोनों के लिए पर्ची एक ही जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। साथ ही हमारे पास अस्पताल रिपोर्ट करते हैं तो कई बार रिपोर्टिंग 2 से 4 दिन आगे पीछे भी होती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस को इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी करार देते हुए गुरुवार को कहा था कि यह युद्ध जैसी स्थिति है और दिल्ली सरकार जरूरतों की पूर्ति के लिए डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों को अपने साथ लाने के लिए हर तरीका आजमाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 1918 में दुनिया ने स्पैनिश फ्लू देखा था जो कि 1920 तक रहा। कोरोना वायरस इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 1877 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों की संख्या अब 34,000 से अधिक हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 1,000 से अधिक हो गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।